सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपकमिंग टाइपिंग्स की जो आने चाहिए पोकेमॉन में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो पहली टाइपिंग की बात है तो वो होनी चाहिए साउंड टाइप। साउंड टाइप इससे क्योंकि साउंड टाइप बहुत मज़ेदार टाइपिंग है। साउंड टाइप में जो अटैच है वो बता दूँ वो है हाइपर वॉइस, फिर डिसार्मिंग वॉइस, सेंट, ये सब कुछ है। अगर हम बात करें साउंड टाइप पोकेमॉन की तो वो है जिगलीपफ और म्यूजिक सिस्टम यानी कि एस्प्लाउड। हाँ मजाक नहीं कर रहा, सही में एस्प्लाउड म्यूजिक सिस्टम है। खैर मजाक एक तरफ, अब देखते हैं ये किस कौन देगा। तो मैं बता दूँ साउंड टाइप कौन देगा इलेक्ट्रिक या गैस, क्योंकि वो साउंड कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब बात है नेक्स्ट किससे स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो हो गया वाटर, क्योंकि अब वाटर से क्यों स्ट्रॉन्ग है ये आप खुद बताएंगे कमेंट में। अब बात करते हैं स्टील टाइप से क्यों और कैसे स्ट्रॉन्ग। देखो एकदम सिंपल फैक्ट है, अगर तुम किसी स्टील के ऊपर ऐसे टन मारोगे तो वो साउंड पूरा वाइब्रेट हो जाएगा, इससे स्टील से स्ट्रॉन्ग रहेगा। साइकिक टाइप बेस हमारे मेडिटेशन में। मान लो तुम एकदम मेडिटेशन कर रहे हो और उसी बीच जो है तुम्हें एकदम परेशान कर रहा है चिल्ला चिल्लाते, तो तुम्हारा मेडिटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए अब बात करते हैं नॉर्मल टाइप, तो इसका एकदम सिंपल आंसर है। तुम अगर जोर जोर से टीसी के ऊपर चिल्लाओगे तो वो इरिटेशन के मारे भाग जाएगा, इससे नॉर्मल टाइप सुपर इफेक्टिव है ये साउंड टाइप। अब बात करते हैं सेकेंड टाइपिंग की जो आनी चाहिए, वो है लाइट टाइपिंग। लाइट टाइपिंग की कोई वीकनेस नहीं है, पर हाँ ये दो टाइपिंग से अगेन स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जो कि घोष और डार्क टाइप। जैसे कि हम जानते हैं घोष यानी शैतान, तो हम लाइट को एज ए गॉड मान सकते हैं, इसलिए लाइट टाइप उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जापान में डार्क को इवन माना जाता है, और डार्क के अपोजिट नई टाइपिंग आई थी जो थी फेरी टाइप, तो सेम लाइट भी डार्क अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो अब नेक्स्ट टाइपिंग की बात है तो वो हो सकता है फॉसिल टाइप। फिलहाल फॉसिल टाइपिंग के कोई वीकनेस या कोई सुपर इफेक्टनेस नहीं है, बस इतना बता सकता कि फॉसिल टाइप भी एकदम रॉक टाइप जैसी है। तो हम मान सके इसकी वीकनेस वाटर, ग्राउंड और ग्रास टाइप हो सकता है। अब नेक्स्ट टाइपिंग की बात है तो नेक्स्ट टाइपिंग जो आनी चाहिए वो है क्रिस्टल टाइपिंग। क्रिस्टल टाइपिंग की बात है तो क्रिस्टल टाइप में तीन पोकेमॉन आते हैं, एक है ट्रायोजेनर, दूसरा है डियांसे और थर्ड है कार्बिंग। इस टाइपिंग की बात है तो ये टाइपिंग वीक हो सकता है फायर टाइप से, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिस्टल मतलब एक तरह का स्टील होता है, तो इसलिए वो वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग है वाटर टाइप से अगेंस्ट। तो अब बचे अपने फोर्थ टाइपिंग के टाइप जो है साइबर टाइप। अब अगर हम बात करें साइबर टाइप की और उसके एग्जाम्पल की तो बता दूँ साइबर टाइप एकदम मैग्नेट माइंड ये सब जैसा है, मतलब एकदम मैकेनिकल टाइप है, और इसके एग्जाम्पल है मैग्नेट माइंड और वोल्टॉन। अब इस टाइपिंग की वीकनेस क्या है, सुपर इफेक्टिवनेस क्या है, वो समय भी डिवेल नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो अब हम बोलते हैं अपने लास्ट टाइपिंग की जो हो सैंड टाइप। हाँ सैंड टाइप वीक हो सकता है फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट, और स्ट्रॉन्ग हो सकता है नॉर्मल टाइप के अगेंस्ट। फ्लाइंग टाइप कैसे, क्योंकि फ्लाइंग टाइप यानी कि एक ऐसे मान लीजिए हवा है और वो पूरा रेट उड़ा सकता है। नॉर्मल टाइप कैसे, बिकॉज ट्विट सैंड तो आप जानते होंगे जिसमें अगर कोई नॉर्मल इंसान खड़ा रहेगा तो वो उस सैंड के अंदर डलता जाएगा एकदम टीचर के जैसे, इससे ये टाइप ही स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्मल टाइप के अगेंस्ट और वीक होगा फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड साथ ही चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।